गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में सोमवार को छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर क्रमिक अनशन किया। छात्रों की मांग थी कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को बिना शर्त अगली कक्षा में प्रोन्नत करने या होम एग्जामिनेशन कराने व अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित न करते हुए पहले की भांति कराया जाए या तो इनकी भी होम एग्जामिनेशन कराया जाए, जिसको लेकर छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और मांगों को पूरा करने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, आप शांत रहिए, बात हम करवा रहे हैं, कह रहे हैं ना, नीति खत्म होगी तभी ना आएंगे। अब बताइए ना, कहिए तो उसके चले जाए, काम खत्म, आपके आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कल की प्रश्न का ना बताइए, वो तो होगा, तो छुट्टी करा रही है। अब तो देखिए गुरु जी, सत्यता एग्जाम तभी होगा। मनीष ओझा, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। जैसा कि हम लोग 2 जून से लगातार दबाव बना जा रहा है विश्वविद्यालय पे, सरकार पे, जिला प्रशासन पे, लेकिन आज मजबूरन हम लोग को इतनी संख्या मात्रा में आना पड़ा यहाँ पे कोरोना काल में। हमारी डिमांड है कि स्नातक के जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको बिना शर्त अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या फिर अन्य यूनिवर्सिटी की तरह जैसे बुक ओपन प्रणाली सिस्टम जैसे हर जगह है खुली परीक्षा, उस तरह से परीक्षाएं कराई जाए अपने घर पर ताकि छात्र आराम से परीक्षा दे सकें, कोरोना का जो खतरा उन पर ना असर करे। और तो हमारी जो दूसरी डिमांड है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी जो बहुविकल्पी की जो परीक्षाएं करा रहा है विश्वविद्यालय, वो बहुविकल्पी परीक्षा ना कराकर पहले एक तरह परीक्षा कराए या तो फिर उसका भी होम एग्जामिनेशन कराए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो अगर कोरोना महामारी के चपेट में कोई छात्र या छात्राएँ हमारे आती हैं तो विश्वविद्यालय और सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके परिजनों को, अरे वो 10 लाख रुपये मुआवजा देने की उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, वो मुआवजा सरकार दे तत्काल, और कोरोना टीकाकरण में छात्र छात्राओं को वरीयता दिया जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ हमारी 6 सूत्रीय डिमांड है। और अगर ये कुलपति साहब अगर आज हमारा अरे ये पत्र लेकर के पूरा आश्वस्त नहीं कर देते हैं, कोरा आश्वासन तो बहुत विश्वविद्यालय देता है, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर देता है, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अभी ये क्रमिक है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको अनिश्चितकालीन धरना देने को भी हम सभी बाध्य होंगे।